ये जो बनी हुई है ये चने की साग की बनी हुई है। दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये है मिथिलांचल की एक स्पेशल डिश बिरिया की सब्जी। ये खासकर चने की साग की बनाई जाती है और पिछले साल मैं नहीं खा पाई थी इस सब्जी को। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मेरे कॉन्टेंट से थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आई हुई हूँ बिहार अपने घर पे। और बिहार का जो आज का ब्लॉग है, बिहार का स्पेशल, खास के मिथिलांचल का, ये डिश पटना साइड में भी नहीं बनाया जाता है, तो ये मिथिलांचल का फेमस डिश बिरिया की सब्जी पे है। तो आइए हम लोग और बिरिया की सब्जी बनाते हैं। और बेसिकली ये जो सब्जी जो है ये चने की साग की बनती है, तो मुझे और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पिछले साल मैं नहीं खा पाई थी तो इसलिए स्पेशल मैंने बनाया हुआ है कि इस साल मैं खाऊंगी। तो मैंने सोचा कि कैसे बनता है तो वो आपके साथ भी शेयर करूं, आप भी अपने एरिया में खाओ। तो चलिए बिरिया की सब्जी बनाने के लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो सबसे पहले ये जो बनी हुई है ये चने की साग की बनी हुई है। इसका बनने का प्रोसेस मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगी। तो स्पेशली इसी की मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको तेल में, सरसों तेल में, गर्म सरसों तेल में फ्राई करेंगे। हमारी तेल लगभग गर्म हो चुकी है तो इसमें मैं ये जो मैंने बिरिया निकाला हुआ तो वो मैं डाल दूंगी। इसको सरसों तेल में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ज्यादा ताओ मतलब हमें ज्यादा फुल फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये साग है भुवेश्वर की तो जलने का चांसेस रहता है, तो हमें अपना फ्लेम लो कर देना है। तो ये हमारा बिरिया लगभग फ्राई हो चुका है। अब जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं थोड़ी सी इसमें हल्की रेडनेस भी आ रही है, तो इसे हम अच्छे तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। और आप वीडियो में देख सकते हैं ऐसे एकदम रेडनेस हो गया है। इसको ज्यादा फ्राई भी नहीं करना पड़ता है, मुश्किल से आप 1 से 2 मिनट फ्राई इसके लिए काफी रहता है। और वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हो, और इसी तरह हम सारे जितने भी निकाले हुए थे वो सारे बिरिया को फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सारा बिरिया जो चने की साग की बनी हुई है उसको सरसों तेल में हमने फ्राई कर लिया है अच्छे से। ज्यादा हमने फ्राई नहीं कर लिया है, ज्यादा ये बिरिया को मुश्किल से 1 से 2 मिनट हमने फ्राई किया है और ये सारा हमारा तैयार हो चुका है। अब अगला प्रोसेस है कि हम आलू को भूनेंगे इसमें। तो दोस्तों फोरन के रूप में हमने लिया हुआ है तेज पत्ता, सरसों और जीरा। अभी हमारा अगला जो प्रोसेस होगा वो अभी हम फिर से हमने थोड़े से सरसों तेल डाले हैं और इसमें हम अपना फोरन डालेंगे। और फोरन डालने के बाद ये थोड़ा सा उबलने लगता है तो थोड़ा सा हम फोरन को इसमें अब पकने देंगे। फोरन हमारा उबलने लगता है, कहने का मतलब आप सरसों तेल डालिएगा तो थोड़ा सा केयरफुल डालिएगा। और ये हमारा फोरन भी तैयार हो चुका है और हमने आलू के पीसेस ऐसे काट लिए हुए हैं। अब आलू को हम फ्राई करेंगे। ये थोड़े देर के लिए हम आलू फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आलू
लगभग भुन के तैयार हो चुका है और हम इसे अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। मसाले तैयार करने के दौरान हम ये छोटी वाली सरसों एक पॉट में निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें छोटी सी मतलब 4-5 कली जो है सरसों ये लहसुन की वो डाल देंगे और इसका हम अच्छे से मिक्सी में पीसकर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने लहसुन और सरसों का पेस्ट तैयार कर दिया अच्छे से मिक्सी में पीसकर और इसमें मसाले के रूप में ये सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर जो पिसी हुई है और उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी के बाद ये हम थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप लाल मिर्च पाउडर ज्यादा भी ज्यादा नहीं डालिएगा नहीं तो तीखी हो जाएगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार आप कैसा खाते हैं उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर डालिएगा और इसमें हम काली मिर्च थोड़ी सी जो होती है पिसी हुई वो डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से ऐसे करके मिला देंगे। इसके बाद हम मेन हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो होती है ग्रेवी की और हमने जो अभी ग्रेवी तैयार किया हुआ था ये सरसों मसाला वाला ग्रेवी ये हम इस तेल में डाल के अच्छे से भूनेंगे। हम इसमें फोरन नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमने फोरन ऑलरेडी यूज कर लिया हुआ है। तो इसमें हम अब सरसों मसाला जो हमने पेस्ट बनाया था सारे मसाले डाल के वो अब इसमें हम डाल देंगे। और इसको हम अच्छे तरीके से सरसों तेल में भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपना स्वाद अनुसार हम डालेंगे और टमाटर के बाद ही नमक डालेंगे क्योंकि इसके बाद पता ही है कि टमाटर गल जाते हैं तो ये स्वाद अनुसार हमने नमक भी डाल दिया यहाँ पे और इसको हम प्रॉपर अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे जब तक साइड से तेल न छोड़ दे। सरसों मसाला लगभग भून के तैयार हो चुका है। आप साइड से भी जैसा कि देख सकते हैं कि है हमारा तेल छोड़ रहा है उससे ज्यादा भूनेंगे अगर इसको तो ये तीखा हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें हमारा भुना हुआ जो आलू है वो डाल देंगे और हम इसको 2 मिनट तक लगभग 1 से 2 मिनट तक आलू के साथ भुनेंगे। आलू के साथ 2 मिनट मैंने भून लिया हुआ है और इसके बाद इसमें हम हमारा मसाला और आलू अच्छी तरीके से भुना चुका है तो इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ी सी और पानी शायद और बाद हम इसमें हमारा जो भुना हुआ बिरिया है चने की साग की जो है जो मिथिलांचल का स्पेशल है वो हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों हम थोड़ा पानी जो है ना थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे क्योंकि ये जो है ना बनने के बाद बिरिया जो रस जो होता है वो काफी अब्सॉर्ब कर लेता है। ये मैंने आपको इतना लग रहा है लेकिन काफी ड्राई हो जाएगा तो
ये मैंने अपना भुना हुआ बिरिया, हमारे भाषा में बिरिया इसको बोलते हैं, पता नहीं अगर आप लोग ऐसी डिश खाते होंगे तो आपके भाषा में क्या बोला जाता है, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इसे हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये मेरे घर तो दोस्तों फाइनली ये सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, और इस सब्जी को आप गरम गरम चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मिथिलांचल में मुख्यतः इस सब्जी को चावल के साथ ही खाया जाता है। ये हमारे पिताश्री मेरे हाथ से बना हुआ बिरिया टेस्ट करते हुए, मिथिलांचल का फेमस डिश बिरिया टेस्ट करते हुए, और आइए जानते हैं मेरे हाथ का बिरिया कैसा बना है, मेरे पापा को कैसा लगा है। तो पापा कैसा लगा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब्जी बेसिकली चावल के साथ इधर के लोग खाते हैं, और मैं तो इसे चावल के साथ ही खाने वाली हूँ। तो आइए अभी पापा का रिव्यू आपने देख लिया, और देखते हैं मुझे कैसा लगता है मेरी बनाई हुई सब्जी। तो ये थोड़ी सी, और ये मेरा फेवरेट सब्जी है। वैसे पिछले साल मैं नहीं खा पाई थी इस सब्जी को, इस साल तो मेरे को खाने का मौका मिल गया। वाकई में बहुत अच्छी बनी हुई है, और आप भी अपने घर में बना सकते हैं। और ये जो बिरिया बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और ये वीडियो यहीं तक अंत करते हैं। और मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वैसे कि आपके इधर ऐसी सब्जी बनती है कि नहीं बनती है। तो जय हिंद।